हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर, माल है क्या? ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि आपको बता रहा हूं कि एक ड्रग्स मामले में नया चैट सामने आया है। बॉलीवुड ड्रग्स चैट में अब दीपिका पादुकोण का नाम आया है। ड्रग्स चैट में दीपिका ने करिश्मा से पूछा है कि माल है क्या। करिश्मा जया शाह की एसोसिएट हैं और इस चैट में साफ तौर पर दीपिका पूछ रही हैं कि मुझे हैश चाहिए, वीड नहीं चाहिए। इस पर आपको बता दें, कंगना रनौत ने भी तंज कसा है और कंगना रनौत ने तंज कस के अपने ट्विटर पर पूछा है माल है क्या। ये आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन में नए नाम का खुलासा हुआ है। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, हमें पहले से पता था और हम कह भी रहे थे कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और अब नया नाम दीपिका पादुकोण का आ रहा है जो चैट सामने आई है उसके जरिए। उसके अंदर साफ तौर पर दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है। इससे पहले सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर और सिमोन खंबाटा जो कि फैशन डिजाइनर है, उनका नाम तो सामने आ ही चुका है, लेकिन अब एक नया नाम सामने आया है दीपिका पादुकोण का, जिसमें जो करिश्मा है जो कि जया शाह की मैनेजर है, उनकी एसोसिएट है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण की भी वो मैनेजर रह चुकी हैं जया शाह के साथ काम करने से पहले। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, एजेंसी जो जानकारी दे रहे हैं, वो जो ये चैट बताई जा रही है साल 2017 की ये चैट है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण, जिसमें डी और के नाम का जिक्र किया गया है, डी यानी दीपिका और के यानी करिश्मा। दीपिका जो है करिश्मा से बात कर रही है, डू हैव माल, यानी कि आपके पास माल है, और साफ तौर पर जब ये पूछा कि हैश ना, और उसमें कहा कि नहीं, वीड नॉट वीड, हैश चाहिए, यानी कि उनको हैश चाहिए था। और अब ये जो चैट सामने आ गया, इसमें कहीं ना कहीं अब मुश्किलें दीपिका पादुकोण की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी ने कल पूछताछ के लिए जो जया शाह की एसोसिएट है करिश्मा, उसको भी बुलाया है, जया को भी दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया है, इसके अलावा सुशी मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया है, और कल करिश्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अब करिश्मा से जो सवाल होंगे, इस चैट को दिखाकर सवाल होंगे कि आखिरकार ये चैट 2017 की, और क्या उस वक्त जो बात दर्ज की हो रही है, क्या ये पहुंचाई गई थी।